नमस्कार। मैं आज आप लोगों को वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा रिवर आइलैंड और वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा रिवर आइलैंड दिखाऊंगी। आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं सोचा आज आप लोगों को दिखाऊंगी। और एशिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कहाँ है वो भी दिखाऊंगी। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी ये वीडियो लेकर आती हूँ। वहाँ का नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर है, इसीलिए बाहर देशों से लोग यहाँ देखने के लिए खिस्सा सला आता है। मुझे लगता है आप लोगों को भी देखकर अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं वो आइलैंड देखने के लिए कैसा है। यह बात सबको पता है, प्राकृतिक दुर्योग की वजह से नदी कभी कभी गति परिवर्तन कर लेता है। अर्थक्वेक की वजह से नदी का बेड ऊपर आ जाता है, उसकी वजह से नदी जमीन की दोनों तरफ पैरेलल रूप से बहने लगते हैं, फलस्वरूप आइलैंड का सृष्टि होता है। वर्ल्ड के अंदर जितना छोटा बड़ा आइलैंड है वो प्राकृतिक दुर्योग और अर्थक्वेक की वजह से सृष्टि हुआ है और आगे भी होते रहेगा। पूरी दुनिया में छोटा बड़ा रिवर आइलैंड 2000 से भी अधिक है। मैं जितना संख्या विश्व में नदी द्वीप के बारे में बताया उसके अंदर सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। यह बातें सब लोगों को पता है। यह सुंदर नदी द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ग्रिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने असम का माजुली को दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। माजुली का प्राकृतिक सौंदर्य अति मनमोहक है। यह जगह दुनिया भर से पर्यटक को आकर्षित करता है। लोग दूर दूर से वर्ल्ड का सबसे बड़ा खूबसूरत नदी द्वीप को देखने के लिए खिस्सा सला आता है। माजुली द्वीप तक जोरहाट से फेरी, मोटरबोट और बोट द्वारा पहुँच सकता है। माजुली को प्राचीन वैष्णव धर्म और कला संस्कृति का प्राण केंद्र कह सकता है। साहित्य आचार्य अतुल चंद्र हजारिका के अनुसार माजुली शब्द का अर्थ है माँ लक्ष्मी जी का भराल। भराल का मतलब जहाँ अनाज जमा करके असमीज लोग रखते हैं। कई लोग कहते हैं पहले यह द्वीप का नाम माजुली नहीं तो माजुली था, बाद में माजुली हुआ। माजुली का अर्थ है सेंट्रल अथवा मिड मोस्ट, जिसका चारों तरफ पानी है। 1385 में आर्यमत्त का पुत्र रत्न सिंह ने राजभार का दायित्व लेकर माजुली में स्थित रतनपुर में राजधानी निर्माण किया था, इसीलिए पहले माजुली को रतनपुर नाम से भी जाना जाता था। टाइम्स ऑफ ट्रेवल के मुताबिक विश्व के सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप उमानंद है। यह बात सोचकर अच्छा लगता है विश्व के सबसे बड़ा और छोटा दोनों नदी द्वीप आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी में है। उमा का नाम से ही पता लग जाता है, उमा अर्थात पार्वती का स्वामी महादेव का निवास स्थान है। आनंद का मतलब है जहाँ खुशी मिलता है, अर्थात यहाँ महादेव और पार्वती रहकर भी खुशी मिलता है और ये मंदिर का दर्शन करके भी लोगों को आनंद मिलता है और इस जगह पर आके भी मन में शांति और खुशी मिलता है, इसीलिए यह नदी द्वीप का नाम उमानंद है। माजुली रिवर आइलैंड का दोनों तरफ पैरेलल रूप से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होकर लंबा रास्ता तैयार करके बंगोपसागर में विलीन हुआ है। आज मैं आप लोगों को एशिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट नदी द्वीप दिखाऊंगी, जो मेघालय में है। इस नदी द्वीप का नाम है नंगनुम नदी द्वीप। नंगनुम रिवर आइलैंड वाकिंसी वेस्ट एंड साउथ और रिवर नामिलियांग नॉर्थ और ईस्ट के द्वारा बनी है। नंगनुम रिवर आइलैंड मेघालय का वेस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित है। यह नंगस्टेन जिला मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूरी पर है और मायरंग उपमंडल से करीब 63 किलोमीटर दूर है। यह रिवर आइलैंड एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली आइलैंड के बाद यह नदी द्वीप सेकंड बिगेस्ट रिवर द्वीप है। मुझे यह बात सोचकर अच्छा लगा कि वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा और बड़ा और सेकंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड हमारा ही देश में है और मुझे यह खूबसूरत आइलैंड को देखने के लिए मौका भी मिला। नंगनुम आइलैंड में जाकर हमें बहुत अच्छा लगा।
यहाँ द्वीप तक पहुँचने के लिए एक आयरन हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। बीच तक अभी गाड़ी लेकर जा नहीं सकता है, काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। ब्रिज क्रॉस करके नदी द्वीप में एक ब्यूटीफुल सैंड बीच मिलता है। नोंगनुम रिवर में बोटिंग कर सकते हैं, वहाँ लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं। जिन लोगों को नेचर के साथ रहना पसंद है उनके लिए मैं कहती हूँ ये जगह परफेक्ट है। हॉलीडे में ओपन एरिया में थोड़ा समय टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे हिसाब से अति सुंदर जगह है। हम लोग जब वहाँ गए थे लोग मच्छी पकड़ रहा था और नदी के सैंड के ऊपर सो रहा था। मुझे वहाँ से वापस आने के लिए मन नहीं किया था, लेकिन आना तो पड़ेगा, इसीलिए सैंड में नाम लिखकर मेरी इच्छा पूरी किया। बाद में बुरा भी लगा कि मेरा नाम अकेले मैं वहाँ छोड़कर आया है। ऑलरेडी हम लोग मार्कम वैली में चलकर थका हुआ महसूस किया हुआ था, लेकिन जब नोंगनुम नदी आइलैंड में रिवर के पास पहुँचा तब सारे थकान दूर हो गया था। नोंगनुम आइलैंड को बाय बाय करके घर के लिए चल पड़ा। घर वापस आते समय बारिश दे रहा था, बहुत अच्छा लगा था। बारिश और पाइन ट्री समूह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बारिश का आवाज़ के साथ साथ गाड़ी में जो गाना बज रहा था वो सुनकर मैंने आंख बंद कर दिया था और सारा थकान दूर हो गया था। आज के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो देखकर कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को हो सकता है तो शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए जरूरी है। अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट देने के लिए भूलिएगा मत। थैंक यू।